तो गाइस वेलकम बैक टू टप्पर स्लाइस, दिस इज प्रियंका सिंह एंड आ गई हूँ मैं इंदौर में एंड जस्ट मेरे ठीक पीछे है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट एंड इसके बारे में हम जानेंगे यहाँ के स्टूडेंट प्रशांत से। चलिए प्रशांत अंदर चलते हैं एंड ये हमें आगे से लीड करेंगे। तो क्यों इसकी कीमत क्या होगी, कुछ पता है आपको? वैसे कीमत का तो कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, खैर उनका नाम ही इतना बड़ा है, अमूल्य है। एक्चुअली यहाँ पर आपको देवलालीकर जी का भी पेंटिंग देखने को मिलेगा। यहाँ पे हाँ, उन्होंने राधा का पेंटिंग बनाया था। ये यहाँ पर है, ये देवलालीकर जिन्होंने इस कॉलेज की स्थापना की है। अच्छा, ये उन्होंने बनाई थी। हाँ, ये उनका काम है। तो ये राधा रानी? हाँ, वो कृष्ण। हाँ, या बना रहे। नाइस यार। और बाहर जो एंट्रेंस पे जो ये रखा हुआ है, ये जो मूवी रखी हुई है, ये स्टडी के लिए होता है। माइकल कॉपी है, डेविड का कॉपी है ये। स्टडी के लिए ऐसा यूज होता है। देवलालीकर जी का सरस्वती वो पेंटिंग है और इसको स्टूडेंट्स ने कॉपी किया है उनका। असल में हाँ, असल में ड्राइंग उनका छोटा है जिसको इलाज किया। ये जो बैकग्राउंड है ये एस एच रजा का पेंटिंग है और उसमें जो हम बोल देख रहे हैं ये मजीद बाबा का पेंटिंग से लिया गया है। ये सैयद मेहता के पेंटिंग से लिया गया है और वो एम एस एस है। हाँ, सभी का मिला जुला ये असल में बच्चों के ही सारे काम है थर्ड ईयर। अच्छा, ये बनाने में कितना टाइम लगता है? सभी अपने अपने हिसाब से बनाते हैं, किसी को एक दिन भी लगता है, एक दिन में बना सकते हैं, एक दिन से एक हफ्ता। अगर मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे भी चाहिए था। हमें यहाँ से निकलना आगे के लिए। ये भी हमारे एलुमिनी रह चुके हैं, डीजे जोशी का काम है। ये भी बहुत बड़े कलाकार है, उनका काम है, ऑयल पेंटिंग है। ओके, आगे बढ़े। कैसे लग रहा है आपको, इसके बारे में बताइए? ये स्टडी के लिए यूज होता है, जैसे बस स्टडी, लाइव स्टडी के लिए यूज होता है। असल में ये शुरुआत मैं स्टिल जैसे पोर्ट्रेट करते हैं तो हमारा हमें नेचर होता है कि हम थोड़ी देर में मूव कर देते हैं, तो स्टूडेंट्स को शुरुआत में लाइंस के ऊपर कमांड करने के लिए तो ये बना के रख दिया जाता है। हाँ, इसकी कॉपी होती थी असल में स्टडी के लिए, तो फिर इसके बाद यदि वो बनाता है तो उसको ईजी हो जाता है लाइंस और जेस्चर जानने के लिए। ये मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली, माय फेवरेट। ये कौन है? ये अमृता शेरगिल का पेंटिंग है। ऐसे हम लोगों ने लगभग 5 साल पहले बनाया था, पेपर और फेविकोल लगा करके उसके ऊपर एक्रेलिक पेंट किया था। इन्हें इंडियन फ्रीडा कालो भी कहा जाता है।
आगे बढ़े। और ये सारी पेंटिंग्स इन्हीं के स्टूडेंट्स की है, ये एग्जाम वर्क है असल में। अच्छा, ये सबमिशन वर्क देखा मैंने अभी, जो वेरी नाइस एक्चुअली। तो इसके बेसिस पे यहां पे मार्क्स मिलते हैं जी। कुछ सबमिशंस है यार, हमारे एग्जाम्स कितने टफ हुआ करते थे। ये तो बस एक ये इसी का एक पेपर होता है? नहीं, काफी सारे होते हैं। थ्योरी पेपर भी होता है, ओके, सेमिनार होता है और प्रैक्टिकल। गाइस लुक एट दिस, ये है आंसर शीट। इसी के बेसिस पे बच्चों को मार्क्स मिलते हैं। ये फाइनल ईयर का है या प्रीवियस का? प्रीवियस का है। ओके, तो इन पेंटिंग का क्या होता है फिर? ये कॉलेज में ही रहता है, जैसे अमृता शर्मिल को फ्रिडा कहलो कहा जाता है, इंडियन फ्रिडा कहलो, असल में ये फ्रिडा कहलो है। हमारे बच्चे हैं, सब हमारा परिवार है, प्रशांत है, पाटीदार हमारे। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का मेन काम क्या है? ग्राफिक डिजाइन। कुछ डिजाइन आपके पास हो तो आप दिखाएं हमें। ऐसा अभी पैकेजिंग डिजाइनिंग चल रही है, इधर मैगजीन इनविटेशन डिजाइनिंग चल रही है। क्लोजर लुक लेके आना इसको। सो ये हैंड रिटन है राइट? यस। हाँ या मैं बता रहा हूँ, ये सब हैंड रिटन है यार। और इसकी ये स्पेसेस चल रहे, बाकी डिलीवरी डिजाइन हो रहा है, ये प्रिंट्स जो हमने बनाए। सो ये ओरिजिनल है, ये कॉपी है? या। एंड दिस थर्ड वन इज रैपिड स्केच। ओह नाइस। 57 ये अभी बनानी है थर्ड पोर्शन है। लुक एट दिस, आप बताइए। ये अप्लाई ये स्टूडेंट से ये अच्छे से बता सकते हैं इस बारे में? नहीं, आप बहुत अच्छा बोल रहे हैं एक्चुअली। नाइस यार, ये देखना। हैव अ क्लोजर लुक। काफी टैलेंट भरा हुआ है यहाँ पे। थैंक यू। तो आप लोग की टीम भी यही करती है? या, ये पैकेजिंग डिजाइनर है एज इट इज। ओके, ये है ओरिजिनल एंड ये आप लोगों ने बनाई है? या, ये एग्जिट साइज है, ये इन लार्ज साइज है। तो मतलब ज्यादा गौर से देखिए तो पता चलेगा इन दोनों में क्या फर्क है। बेटा तुम खड़े हो गए तो ये वीडियो ठीक से आ रहा है। ये पेस्टेड है। पेस्टेड है राइट? हां, ये पेंट है। या, नाइस यार। ये आपका वर्क है? ये सब पैकेजिंग है, ये टूथपेस्ट की पैकेजिंग है, ये मिल्क टेट्रा पैक है। वेरी नाइस। तो आप लोग ये तीन स्टूडेंट्स हैं इसके? हाँ, ये जूनियर्स हैं। आप लोग सीनियर हैं? फाउंडेशन कोर्स होता है असल में, फर्स्ट ईयर में अप्लाइड भी रहता है उन्हें, क्ले मॉडलिंग भी रहती है, तो उसमें ये क्ले का काम है। शुरुआत में उनसे मतलब हर मीडियम से उनका परिचय हो जाए कि सेकेंड ईयर में जाकर हमें कौन सा सब्जेक्ट लेना है, पेंटिंग लेना है। तो फर्स्ट ईयर में सब कुछ करा? हाँ, स्कल्पचर लेना है,
तो वो सारी चीजें करते हैं तो उसमें उनको पता चल जाए कि ये हाथ हमारा कहाँ पे सही होगा। ओके, तो ये 4 साल का ही है राइट? हाँ, 4 साल। 4 इयर्स। फर्स्ट ईयर में स्टिल लाइफ का प्रैक्टिस होता है तो इससे ये लाइन कलर शेड उसके बारे में समझ पाते हैं। ये देखिए ये सामने वाले एंगल, ये सामने वाले एंगल से ये लाइव है। वेरी इंप्रेसिव यार, मुझे लेना पड़ेगा एडमिशन में। आप क्या कहते हैं, आ जाओ काम पर शुरू किया अपना। ये इस एंगल से बना के तो सुंदर सो उस एंगल से भी बनाओ फिर तो नहीं। हां तो सिर्फ दो आए पापो जूनियर। हां हाय सर, बहुत अच्छा भैया, अब तो लेना पड़ेगा लग रहा है एडमिशन अपने बच्चों को। भेज सकते हैं यहाँ पे दोनों को। स्वागत है आपका। ठीक है, हेलो सेकेंड ईयर। आप लोग क्या बना रहे हैं? मेरा है अपनी चंदिया थे और मैं कंपोजिशन। सेकेंड ईयर चुका है मेरा। मिनिएचर की प्रैक्टिस भी कराते हैं जिससे हम हमारे रूट से जुड़े हुए रहे कि पहले हम लोग किस तरह से पेंटिंग करते थे। अच्छा, इसमें अलग अलग शैलियाँ भी किया वही है। इसमें वॉश टेक्निक होती है, फिर राजस्थानी शैली है, मुगल शैली है, तो वो किस तरह से हर एक में क्या क्या अंतर होता था, किस टेक्निक से पेंटिंग बनती थी, उससे उनका इंट्रोड्यूस करवाया। जो वो सारे फ्लोरल पैटर्न्स होते थे। हाँ हाँ, मुगल। हाँ तो बस हम तो ये घूमने जाते हैं तो देखते हैं कि अच्छा ऐसा कुछ बना होगा। ओके गाइस, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। ऊपर सो क्या ये आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? जो हमारी नर्मदा नदी है मैम, वो मध्य प्रदेश के लिए जीवनदायी नहीं है, इसलिए मैम जब भी नर्मदा की परिक्रमा लोग जाते करने तो वो अपना कचरा वहीं पे छोड़ के आ जाते हैं। हाँ। उसकी वजह से नदियाँ गंदी होती हैं, मछलियाँ मर जाती हैं और हमारी धरती भी बहुत ज़्यादा गंदी होती है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हम सबकी जिम्मेदारी, एक एक लोग की जिम्मेदारी है कि हम उसे साफ स्वच्छ रखें। तो हमने उसके लिए इंस्टॉलेशन बनाया था। ये मगरमच्छ, हाँ ये मगरमच्छ नर्मदा जी का वाहन है, इसलिए हमने मगरमच्छ को लिया। ओह नहीं मैम, ये क्या कॉन्सेप्ट है, इससे एक अच्छा मैसेज जा ये बोले जी रखा था आस्था का आडम्बर सारी चीज़ें। हाँ हाँ ये जो नर्मदा नदी है एमपी गुजरात सबको ये पानी दे रही है, जीवनदायी नहीं है मध्य प्रदेश एक्चुअली होना चाहिए। गाइस, गवर्नमेंट फाइन आर्ट्स के प्रिंसिपल हैं ये डॉक्टर प्रकाश जी। जी आप लोग सभी आए यहाँ पे, वेलकम है, हमारे बच्चों को सराहना दी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आप आइए और हमारे बच्चों को मोटिवेट कीजिए। बस थैंक्स, थैंक यू। सो गाइस, वीडियो देख के आपने अंदाज़ा तो लगा ही लिया होगा कि हमारे ये जो स्टूडेंट्स हैं वो कितने सुपर टैलेंटेड हैं। इतना टैलेंट होने के बावजूद भी इनको वो सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे नहीं मिल रही है। वीडियो में आपने देखा कि एमएफ हुसैन साहब की पेंटिंग भी वहाँ पे रखी हुई है। इन्होंने अपना डिप्लोमा कोर्स यहीं से किया था, इसी कॉलेज से। बीच में कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उनको कॉलेज छोड़ के मुंबई शिफ्ट होना पड़ा। ऐसा कॉलेज जहाँ पे ये टैलेंट उभर के निकला है बाहर, ऐसे एक दो नहीं कई सारे टैलेंट निकले हैं, उस कॉलेज की हालत ऐसी है, ऐसे लग रहा था जैसे बिल्डिंग मानो अभी गिर जाएगी सर पे। तो वीडियो में सारी डिटेल्स तो मैंने आपको दिखाई दी है, बस ये वीडियो जहाँ तक भी रीच कर रहा हो, मुझे नहीं पता ये कितना रीच करेगा। सो मेरी सरकार से ये अपील है, जो भी इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है उनसे ये अपील है कि स्टाफ जो है यहाँ पे गिने चुने स्टाफ है, 4 से 5 ही स्टाफ है और बिल्डिंग की हालत बहुत ही बुरी है। तो अगर रिप्लेसमेंट ना सही तो इसको रिनोवेट ज़रूर कर सकते हो आप लोग,
और बच्चों के लिए भी फैसिलिटीज़ जहाँ तक हो सके, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को थोड़ा सा सीरियसली ले लीजिए. एंड दैट्स इट. सी यू इन माई नेक्स्ट ब्लॉग. दिस इज़ प्रियंका सिंह. नमस्ते.